उसके बाद अब ये मैम आई है, नहीं काटेगा नहीं मैम डर रही है। ये देखिए आइए आइए जाइए जाइए जाइए, ये देखिए क्योंकि लड़कियों को काटता है ना ये, क्योंकि आर्य भाई की जो वाइफ है ना उनके अलावा किसी साथ नहीं देखना चाहता ये। ये देखिए गाइस, तो यहाँ पे वीडियो शूट होगा मैम का, मैम शर्मा रही है। अरे काटेगा तो एक अच्छा से वो बन जाएगा कंटेंट। जाइए जाइए पास जाइए, एक बार चेक करिए आप। नहीं आएगा नहीं आएगा, अरे वो आएगा नहीं यार। ये देखिए ये देखिए गाइस, मैम डर रही बहुत ज्यादा। आप करिए ना, डरिए मत, पकड़ी देंगे। तो मैंने बात करो नॉर्मल ले कर दिए, स्वेटर लगाए थे, डर रही डर रही करिए। आप बात करिए, वो हो जाएगा, वो है ना, कुछ नहीं होगा, वो खड़े हैं ना, बोलिए आप। डर रही मैं बहुत ज्यादा। सो फाइनली हमारे साथ यहाँ पर आरिफ जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको ये सारस जो है, जो स्टोरी आपने बताई है उस हिसाब से आपको घायल कहीं मिला है ना, तो वो की आपको घायल मिला इसकी आपने काफी अच्छे से देखभाल। ये देखो सब बैठे, सिंगल कर लेंगे आप घंटे। अब इसी टॉपिक पे बता दो जो काटने का सिलसिला इसका है। तो भैया काट रहा है, आइए एक बार पास आइए फिर से। हाँ, नहीं काटेगा। ये तुम बोलते भी हो क्या? ये नहीं डरते, तुम डरते हो? तुम नहीं डरते, कोई नहीं डरता यार यहाँ पे। ये देखिए चाचा जी भी हमारे पीछे खड़े हैं, ये देखिए ये देखिए। तो गाइस जो मैम है ना, इतना ज्यादा डर रही है, इतना डर रही है, इतना डर रही है, उनको मतलब कभी भी वो काट सकते हैं, इसके डर से वो पीछे पीछे जा रही है, मतलब उनकी जो हिम्मत है, हिम्मत बड़ी नहीं रही। ये देखिए आप, देखिए कहाँ खड़ी है, ये देखिए आप, देखिए देखिए डर दिख रहा है भाई डर। ये देखिए, ये देखिए गाइस हमला करने वाला है, क्या लगता है आपको काटेगा? ये बात है इतना कर दे बीच में अचानक से। अरे यार देख लो, अरे तुम इतनी दूर से कैसे पूछेंगे? हम सिंगल कर लेंगे इसका, बस बीच में वो कर देंगे, कट डाउन डाल देंगे। देख लीजिए इसका चोंच इतना। ये देखिए आ रहा है, पर आने नहीं पाएगा आपके पास, हम हाथ बीच चुके हैं ना, देख रहे हैं। अरे हम हाथ बीच चुके हैं, आपके पास नहीं आने पाएगा, तो बात कैसे करेंगे फिर? अब आप करिए ना, करिए मत, पकड़े रहेंगे। तो बात करो नॉर्मल ले कर, उसे आपके पास नहीं आने पाएगा बता रहे हैं। इसको कुछ करिए पहले, संभालिए, समझ नहीं रहा। आपके आपके पास नहीं आने पे, तो कोशिश कर रहा आने के लिए, पर आने थोड़ी पाएगा। सो फाइनली हमारे साथ यहाँ पर आरिफ जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और जैसा कि हम जानते हैं कि आपको ये सारस जो है, जो स्टोरी आपने बताई है उस हिसाब से ये आपको घायल कहीं मिला था है ना, तो वो सब तो हम जानते हैं कि आपको घायल मिला इसकी आपने काफी अच्छे से देखभाल की, उसके बाद अब ये इसको ना सच में बंद करते, हम सिंगल कर लेंगे आप घंटे। हाँ आप कटवा दो मेरे के, एक दो निशान देख ही जाएगा फिर तो यहाँ। ये तुम बोलते भी हो क्या? सारस तुम बोलते हो क्या? माइक कहाँ जाएगा? बोलोगे बोलोगे? नहीं देखो यार थोड़ा पीछे हो जाओ, मेरे से भी दोस्ती कर लो थोड़ा सा। अरे अच्छा ठीक है, फर्स्ट कॉन्फिडेंस अच्छा। हमें बताइए कैसे आपसे ये दोस्ती हुई? देखिए मेरे हमको काटने को दौड़ रहा है, लेकिन आपसे कैसे दोस्ती? हमको खेत में मिला था, घायल था, इसका पैर टूटा हुआ था वाला,
तो वही हम देखे तो लेकर आए इसको घर, देसी तरीके जो हो सकता था हमसे घर में वही इलाज किए इसका। अच्छा। उसके बाद हम सोच, ये कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ रहने लगेगा, ठीक होने के बाद ये अपने परिवार में नहीं गया, मेरे साथ रहने लगा। इसका परिवार कहाँ था? इसका परिवार कहीं जंगल में रहता है, दूर कभी कभी दिखाई देते हैं, छह सात महीने में कभी। अच्छा, कभी अच्छा। ऐसे दिखाई, तो ये ग्रुप के साथ रहते हैं? हाँ, ग्रुप के साथ रहता था। तो अब आपके साथ रहते? अब मेरे साथ रहता। अपनी फैमिली को छोड़ दिया? अपनी फैमिली को छोड़ दिया। मतलब आपसे कैसे इसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई? मतलब सिर्फ इस वजह से कि आपने इसका ख्याल रखा? हाँ, ये भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म की मेरी गर्लफ्रेंड। पुनर्जन्म की गर्लफ्रेंड, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन हाँ, लेकिन आरिफ जी आप हमें ये बताइए कि जैसे कि हमने सुना कि अखिलेश जी आपसे मिलने आए थे, है ना, तो क्या बातचीत हुई इनसे आपकी? भैया मिले, हमसे मिले, इनसे मिले, दोनों लोग तो लखनऊ बुलाए हैं। अच्छा, किस पर्पज से? कुछ आगे का सोचा है? बोले लखनऊ आना तो बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि पिकॉक जो है वो नेशनल पक्षी है, और सारस को उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पे, ये जो स्टेट लेवल, भैया भैया जब सरकार थी तो वही वो किए थे बताया। जैसे की तो क्या लगता है कि आगे आपका क्या प्लान है इनके साथ? अब वहाँ जाएंगे तो भैया बताएंगे क्या प्लान है क्या नहीं है, अभी बुलाएं सिर्फ बोलने के लखनऊ आना होली बात। अच्छा अच्छा, तो मतलब हो सकता है कि बर्ड को लेकर आपका कुछ या सारस को लेकर आप कुछ नया करने का सोच सकते हैं? अब भैया बताएंगे वो का करना है। अच्छा, तो मतलब उनके आइडियाज के हिसाब से, भी आपका कोई खुद का कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है? नहीं, हमारा खुद का कोई आइडिया नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको घायल सारस की जगह कोई और पक्षी मिला होता तो आप हम क्या ले आते? ले आते हैं। अच्छा, मुर्गा मिला होता तो? मुर्गा तो आपने देखा मेरे यहाँ इतने सारे हैं। नहीं, घायल अगर मिला होता ले आते, ले आते, मुर्गा ले आते। अच्छा, उसका ख्याल रखते हैं? हाँ, उसका उसका ख्याल रखते हैं हम। अच्छा, मतलब आपके पास हमने देखा कि और भी जो है? हाँ, बहुत ढेर सारे हैं, तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक और चीज हमने, हमें ये बताइए कि दोस्ती आपकी इससे हुई है, तो आपके हिसाब से दोस्ती के क्या मायने हैं? दोस्ती के मायने क्या, जैसे पंछी है इंसानों के बीच में रहने वाला नहीं है, हमने इसकी थोड़ी सी मदद की थी, एकदम थोड़ी सी समझ लीजिए, तो ये अपनी दोस्ती निभा रहा, आज तक भूल नहीं पा रहा, हमको छोड़ के कहीं जाता नहीं, तो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि पक्षी होकर दोस्ती निभा रहा है तो इंसान तो फिर क्या सीख मिली, वो सीख हम जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है इंसान से बेहतर क्या सारस आपको सीख दे रहा है, या दोस्ती की कोई अलग सीख? इंसान से बेहतर सारस जो है सब इंसानों को सीख दे रहा है, सब इंसान जी। वो क्या एक पॉइंट होगी, एक कुछ तो लाइन ऐसी होगी ना कि वो सीख क्या है, मतलब किसी के साथ आप अच्छा करेंगे तो आगे आपके साथ भी अच्छा ही होगा। इंसानों के मुताबिक अगर देखा जाए दोस्ती, तो वो क्या है कि अगर आप इंसानों के साथ, जो इंसान फ्रेंड है, अगर आप उनके साथ अच्छा करते हो तो उनका रवैया कैसा होता है? ज्यादातर लोगों को ठीक नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं नहीं, मतलब अच्छा करने बदल जाते हैं। हाँ, बदल जाते हैं। अच्छा, खैर, ये इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आपको इन फ्यूचर बर्ड्स से को लेकर कहीं ना कहीं अगर आपको कहा जाए कि आप इन बर्ड्स का ख्याल रखें ना, जैसे कि एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, आपने देखा होगा, बर्ड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो अवेयर रहते थे, तो उस मामले में आप किन किन पक्षियों को जो है सबसे ज़्यादा वो करना चाहेंगे कि प्रायोरिटी बनाना चाहेंगे? सारे पक्षियों को, सारे, हाँ सारे, जो हाँ एक्स वाई जेड जो सब आएंगे पास रहेंगे, जब देख देखभाल कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप बेस्ट हो सारे जानवरों के और पक्षियों को मामले में, उनको कंट्रोल कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं बेहतर? जी, हमको लगता है ऐसा। अच्छा, एक एक क्वेश्चन है कि आप सारस को फिजिकली और इमोशनली कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? वो देखने से रिएक्ट, इसका रिएक्ट करने से पता चल जाता है कैसे किस मूड में है, कब इसको भूख लग रही है, कब घूमने के लिए इसका दिल कर रहा है, कब जो है वो डांस करता है, सब इसके ऊपर है, वो समझ जाते हैं हम। एक साल से रहते रहते आदत पड़ गई, एक साल हो गया इसके साथ रहते रहते। अच्छा, तो फिर भी कुछ एक पॉइंट होगा ना कि जैसे अभी ये देखिए कहीं ना कहीं, हाँ, तो ये चीजें समझ आ रही है कि ये अभी अटैक कर सकता है मेरे पे, तो और कैसे भूख लगती है इसको, तो क्या वो इंस्टिंक्ट करता है, क्या चीजें वो देता? भूख लगती है तो जैसे पास ले, हाथ ले जाते हैं तो हाथ को मुंह में अपने पकड़ता है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी नहीं पकड़ रहा है वैसे मुंह में पकड़ता है, और उसके बाद हाँ घूमने का मन होता है तो मेरे पास आके उछलता है, ऐसे ऐसे थोड़ा दूर, उतनी दूर दौड़ के जाता है, फिर वापस आता है, इतनी दूर दौड़ जाता है, फिर वापस आता है, समझ जाते घुमाने, फिर बाइक निकालते हैं अपनी लेके चल देते हैं हम आगे आगे, बाइक से पीछे पीछे उल्टा हुआ जाता है। और ये बताइए कि क्या ये स्पेशली क्या खाता है, नॉर्मल जो आप खाते हैं? नॉर्मल जो दाल सब्जी रोटी चावल जो हम खाते हैं मेरे प्लेट में, एक साथ ही दोनों लोग खाते हैं। अच्छा, अगर ये हमें बताइए कि अगर जैसे सारस है या कोई दूसरा अगर जानवर आपको मिलता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाथी को लेकर, बंदर को लेकर, सांप को लेकर बहुत सारी मूवीज बनी, एक फ्रेंडशिप जोन दिखाया गया है कि जानवर से सबसे ज्यादा डॉग को लेकर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर आप उससे रिलेटेड ये फ्रेंडशिप की मूवी एक बनाई जाए तो कैसी होनी चाहिए?
सारा शो मेरी बननी चाहिए। कैसी, उसमें क्या चीज स्पेशल होनी चाहिए? स्पेशल दोस्ती की स्टोरी क्या होनी चाहिए? स्टोरी मतलब कि जैसे घायल पक्षी मिला जो है, उसके बाद इलाज किए, हम चाहते थे अपने परिवार में वापस चला जाए मगर वो नहीं गया, मेरे साथ रहने लगा, इतना साथ रहने लगा, पक्षी होकर जो इंसानों के बीच में रहने वाला नहीं है, वो एक साथ खाना खाता है, नहाने जाते हैं तो बाथरूम बाहर खड़ा रहता है, बाजार जाते हैं तो साथ बाजार जाता है उड़ के, ऐसे होनी चाहिए। गाइस अभी हम लोग ग्राउंड में आ गए, मैं भाई थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, मुँह हाथ धो लिया क्योंकि थोड़ा मुँह धुलना जरूरी था, तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो सेशन हो रहा है, ये देखिए सब लोग हैं, तो अभी देखते हैं क्या सीन है। ये देखिए भाई लोकेशन बहुत तगड़ा आ रहा है, और भीड़ देखिए उधर से देखिए सामने, मतलब यार मॉर्निंग से भीड़ जो है कम नहीं हो रही। ये देखिए अभी फिर उतने लोग, मतलब 40-50 लोग आते हैं तो 40-50 लोग चले जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट 40-50 लोग और आ जाते हैं, फिर आवागमन आवागमन, इसलिए बार बार परेशानी होती रहती है। तो देख सकते हैं भाई ये देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, देखिए सारस को देख छकते ही नहीं भाई कोई, ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी, भीड़ लगा हुआ है भाई, ये देखिए ओ भाई कहाँ चले ये देखिए आ तो रहो कि भाई स्मार्ट लग रहा है।